तो सुहाना से जेजेपी के उम्मीदवार रोहताश खटाना रेडौज के तावड़ू ब्लॉक के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा किया, साथ ही उन्होंने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी की सरकार बनने के बाद सुहाना के सभी विकास कार्य पूरे होंगे। से जेजेपी प्रत्याशी रोहताश खटाना चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। गुरुवार को रोहताश खटाना ने तवाड़ू ब्लॉक के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान रोहताश खटाना ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल और बीजेपी ने 5 साल सोना तावड़ू की जनता को बहकाया है। दरअसल बीजेपी जब से आई है पूरे देश में बेरोजगारी छा गई है। ऐसे में जेजेपी सरकार बनने के बाद रोजगार और विकास सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तावड़ू ब्लॉक में काफी समय से पहाड़ का व्यापार बंद है, ऐसे में यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। जेजेपी की सरकार आने पर पहला काम युवाओं को रोजगार देना होगा। बेरोजगार तो यहाँ पे नहीं, बेरोजगार तो पूरा देश ही कर दिया बीजेपी आई है जब से। बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, घटी थोड़ी है। अगर क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बीमारी पहाड़ की है। पहाड़ जब से बंद हुए, जब से लोगों को पेट पालना हो ना, वो भारी हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे विकास के काम करेंगे यहाँ पे, रोजगार भी देंगे और विकास भी करेंगे। मेरी पार्टी सत्ता में आती है और आ रही है तो हम पहले दिन इस काम को कर देंगे। इनको 10 साल होगी बहकाते बहकाते जनता को। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले दिन करवा देंगे। वहीं सोना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे सतवीर पहलवान भी रोहताश खटाना के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन इस बार सोना की जनता बाहरी उम्मीदवार का बहिष्कार कर रही है। दरअसल सोना की जनता इस बार हल्के के उम्मीदवार को ही जिताना चाहती है, इसलिए मैं भी रोहताश खटाना के साथ प्रचार में शामिल हुआ हूँ और रोहताश खटाना इस बार सोना के विधायक बनेंगे। एक तरफा है सोना की जनता, सोना के हल्के के आदमी को जितानी चाहती है, बाहरी आदमियों को बहिष्कार करनी चाहती है। और लोगों ने मन बना लिया, हम पिछले कई दिन से चुनाव में हैं। देखो, मैं खुद कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, लेकिन उन्होंने जो बाहरी आदमी को टिकट दे दी तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं हल्के के आदमी के साथ लग रहा हूँ। दरअसल सोना का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शमशुद्दीन को चुना है चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने संजय उजीना को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों प्रत्याशी भारी उम्मीदवार हैं। ऐसे में हल्के के उम्मीदवार रोहताश खटाना को सोना की जनता इस बार क्या चुनती है या नहीं, ये 24 तारीख को ही साफ हो पाएगा। सोना से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।